हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर दानिश पे। और आज मैं बिना प्लान बनाए हुए निकल चुका हूँ शिमला के लिए, और बहुत ही बजट में आपको दिखाऊंगा शिमला कैसे घूम सकते हैं दिल्ली से। मैंने टिकट बुक किया है पेटीएम के थ्रू। पेटीएम पे टिकट बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। और ये पीछे मेरे ISBT दिल्ली है, कश्मीरी गेट जिसे बोलते हैं। ये मैं अपने पेटीएम पे, और पेटीएम पे फिर मैंने बस के लिए सर्च किया, ये बस का ऑप्शन यहाँ पे। फिर मैंने बस की खोला, बस का ऐप खुल रहा है, इसमें दिल्ली टू शिमला पहले से सर्च है। फिर इसमें टिकट मैं कुछ इस तरह से सर्च करता हूँ, यहाँ पर डेट डाल दिया दिल्ली टू शिमला, फिर सर्च बस। अब ये बस खुल रही है, जितनी बस होगी देखिए यहाँ पर। बस मुझे 465 रुपये से स्टार्टिंग दिखा रही है, और हिमाचल रोडवेज बस 505 रुपये। और बहुत सी अलग अलग रेट की बस है, लेकिन आप देख सकते हैं 505 रुपये मुझे रोडवेज की बस मिल जा रही है, जो मैंने पकड़ी थी। उसके अलावा भी आपको अदर डे में आप आते हो, जैसे डिपार्टेड होगी, वरना आपको 465 रुपये की भी बस थी इसमें टिकट में मिल जाती है, वरना 505 वाली में जा सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप सर्च करते हो तो बहुत सारे आपको ऑफर मिल जाते हैं। मैं इसमें हिमालय क्या नाम रोडवेज की बस को मैं सर्च करता हूँ अपने टाइम के अनुसार। और मैंने यहाँ से अपनी बस स्टॉप पहुँच के फिर मैंने अपनी बस बुक कर ली। सीट भी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ISBT कश्मीरी गेट से शिमला ISBT टूगर जो आपका नया बस अड्डा है वहाँ तक जाती है बस। अब आइए आपको मैं होटल्स का भी दिखा देता हूँ। होटल्स भी बहुत सस्ते पड़ते हैं यहाँ पर। आप होटल्स में जाइए, यहाँ सर्च करिए होटल्स, कुछ इस तरह से होटल सर्च करने पे आपको होटल्स मिल जाएगा। यहाँ पर होटल्स आए, इस पर फिर क्लिक करते ये होटल का ऑप्शन आ गया। फिर इस पे हम खोलते हैं होटल्स, फिर यहाँ पर ओपन हो रहा है। फिर यहाँ पर अपना शिमला डाल देते हैं, चेक इन चेकआउट डेट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और बहुत ही सस्ते में यहाँ पर आपको होटल्स मिल सकता है। सर्च करते हैं और ये आपको बहुत सारे अभी महंगे होटल देखा है। फिर हम इसमें फ़िल्टर डालते हैं। अब ये हम देखिए 900 है, 600, 700, 800, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। जितने का आपको बजट का होटल चाहिए आपको सब मिल जाएगा शिमला में। अब ये आप मुझे नौ रिजल्ट मिल रहा है, उसे हम खोलते हैं यहाँ से। एक मिनट, हाँ ये 800। अब ठीक है, अब ये देखो आपको 224 रुपये में होटल मिल जाएगा, 582, 635 ऐसे। और एक और बात, इसमें आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, पर आपको ज़रूरत नहीं है पैसा पेमेंट करें, पैसा आप वहाँ पे पहुँच के भी पे कर सकते हैं। ये देखिए सारे होटल से इस तरह से डूम है वगैरह, इस तरह से आप इस तरह से होटल बुक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे होटल जो बहुत ही मॉल रोड से बिल्कुल नज़दीक है, ये सारे दिखा रहे हैं ना, 100 मीटर की दूरी पे, इतने इतने मीटर की दूरी पे, 150 मीटर फ्रॉम सेंटर, इस तरह के होटल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे होटल, अपने बजट के अनुसार आप होटल बुक कर सकते हैं। और आप ऑन द स्पॉट पहुँच के भी होटल बुक करते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाता है। बट यहाँ मैं दिखा रहा हूँ पेटीएम से भी आप अपने होटल को बुक कर सकते हैं या देख सकते हैं कैसा होटल चाहिए आपको। बहुत ही अच्छे अच्छे रेट में आपको यहाँ होटल मिल जाएगा। तो अब मैं बैठ चुका हूँ अपने बस पे, और ये बस टिकट मुझे 505 रुपये की पड़ी हुई है रोडवेज की, और काफ़ी हवा चल रही है। और ISBT और ये हरियाणा रोडवेज की बस है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल खाली बस है। आराम से बैठा हुआ हूँ मैं और हवा का मज़ा ले रहा हूँ। अब बस पहाड़ों के नज़ारे देखूँगा। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ा ट्रैफिक है, अभी बस निकली हुई है, क्योंकि मेरी बस 7:30 बजे की बस सुबह 4 बजे तक पहुँच जा रही है शिमला में। सही है ना, बहुत ज़बरदस्त। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे पूरी खाली है, बने रहिए मेरे साथ। अब ये देखिए बाहर का नज़ारा, यहाँ पर आपको दिखा रहा पानी पर 50 मिलीमीटर है, बहुत ट्रैफिक है बाहर। मतलब ठीक है, रोड एकदम खाली है, ट्रैफिक भी है, खाली भी है, जैसे भी है, पर बस अपनी मस्ती में चले जा रही है। शाम का नज़ारा है, अंदर है कुछ इस तरह से। ये अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मतलब बिल्कुल आराम से आगे वाली सीट पकड़ ली मैंने, और यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मैं। अभी आगे करनाल आएगा, मूर्थल आएगा, अम्बाला आएगा, वहाँ पर ये जो बस है, ये जो खाली सीटें दिख रही हैं वो धीरे धीरे भर दी जाएंगी। आपको AC बसें ही मिल जाएंगी, AC सीटर बसें भी सस्ती मिलेंगी, पर रोडवेज की बस का जो मज़ा है ना, देखो आप रोडवेज की बस का जो मज़ा है ना वो अलग ही बात है। ये पूरी बगल की सीट खाली है मेरे, देख सकते हैं। धीरे धीरे ये भी भर जाएगी आगे चल के, जैसे जैसे अलग अलग जगह आएंगे, अम्बाला है, मुरथल है, पानीपत है, ये सब ये सीट भर जाएंगी। ये आ गए भाई मुरथल के पराठे, जो यहाँ पर मशहूर हैं, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, लोग आते हैं ड्राइव करके सिर्फ पराठे और खाना खाने के लिए। कुछ ऐसे बिल्कुल सजा हुआ रहता है।
हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं चाय वाय पीने के लिए, नाश्ता वास्ता खाना वाना खाने के लिए। 20 मिनट के लिए बस यहाँ रुकी हुई है, पर यहाँ बहुत महंगा है चाय वाय, बहुत 20 रुपये की चाय है सड़ी सी, तो खाना का क्या हाल होगा। अभी तो ढाई ढाई घंटा हुआ है हमें करनाल के आगे रुके हुए हैं, उसके बाद से 4 बजे तक पहुँचेगी ये शिमला बस। लेकिन हाँ बस पूरी खाली है, पर हाँ एक बात कह सकता हूँ, बस वाले के लिए बहुत ही रफ चला रहा है भाई, बहुत ही रफ चला रहा है, कार वाले भी ऐसे नहीं चलाते, देख के हालत ख़राब हो गई भाई। खैर शिमला पहुँचते हैं। ये वो होटल है जहाँ पे बस रुकी है, वो हमारी सामने बसें खड़ी हैं, और ये कुछ इस तरह से होटल का नज़ारा है यहाँ सब कुछ। ये पहाड़ों पे चढ़ने वक्त, चढ़ने से पहले बस रुकी है एक जगह पे, अपना पेट्रोल वगैरह सॉरी डीजल भरवा रही, पेट्रोल बोल रहा हूँ, डीजल रिफ्यूल हो रही है यहाँ पे बस है ये। यार यही बेकार लगता है, मेरी सीट पे एक लेडीज और एक जेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ, वो आके मेरी सीट पे बैठ गए जबकि देख रहे सामान रखा हुआ है, ऊपर से मेरा बैग भी हटा दिया। बताओ मैं कुछ बोल दूँ तो बुरा लग जाएगा। रात के सफ़र के मज़े भी अपने लेवल के हैं, वो भी खास करके रोडवेज बस में। अब ये देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, बिल्कुल बगल में पहाड़ है, दिख कुछ नहीं रहा। लेकिन हाँ खास बात ये है कि ये डबल लेन रोड है, एक आने की और जाने की दो रोड बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही तो बात है, रोडवेज बस के मज़े भी अपने हैं। अच्छी बात ये है कि 2 लेन सड़क है पहाड़ों पर भी। बस हमारी एक बार और यहाँ रुकेगी चाय वाय पीने के लिए, मैंने बोला चाय अच्छी नहीं मिली थी मुझे यार, चाय बिना चाय के मेरा काम नहीं चलता, तो बस वाले यहाँ पर एक बार रुकेंगे, यहाँ पर भी चाय मिल जाएगी, और होप यहाँ पर बस रुकी हुई है ना अभी, बस चाय पीने के लिए रुके हुए, चाय के लिए ब्रेड ब्रेड पकौड़ा खा लिया। तो हमारी बस पहुंच चुकी है शिमला, और ये शिमला का नया बस अड्डा है, 4 बजे 4:30 बजे बस यहाँ पहुंच गई। शिमला के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं नज़ारा बाहर का, पहाड़ों के तो मज़े ही अलग है, हील पावर मिल जाती है ज़बरदस्त, कुछ इस तरह से लोकेशन है। तो भाई मैं तो पहुंच गया 505 रुपये में शिमला। अगर मैं यहाँ पर एक दिन रुकता हूँ तो मुझे 250-300 रुपये में आराम से रूम मिल जाएगा, नहीं रुकता हूँ दिन भर घूमता हूँ आराम से, तो मैं 1000 रुपये में 1100-1200 रुपये में पूरे शिमले की सैर करके वापस दिल्ली भी पहुँच सकता हूँ। और रही बात होटल की, तो होटल लेता हूँ 250-300 का पड़ेगा। ये रहा मॉल रोड, आप देख सकते हैं ये मॉल है, मॉल रोड है सॉरी, और 200-300 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा और पड़ जाएंगे मेरे खाने पीने के अगर मैं एक दिन यहाँ रुक जाता हूँ, तो टोटल 1400-1500 रुपये में ज़बरदस्त शिमला की सैर आराम से। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए, और भी ऐसे जिस तरह से मैं बजट में मैं कहीं घूम सकूँ, शिमला मनाली डलहौजी दार्जिलिंग या और भी कोई जगह कश्मीर वगैरह, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल तो ये मैंने कोशिश की थी आपको पहुँचाने की, और मजाक मजाक में ऐसे वीडियो बना दिए, लेकिन अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं और ऐसे वीडियो बनाऊँगा, और आपको और भी नए नए जगह से दिखाऊँगा कि कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं बजट में आप। दोस्तों तो पूरा दिन शिमला घूमने के बाद से मैंने डिसाइड किया शिमला तो घूम ही लिया है, अब चलते हैं वापस दिल्ली। और मैंने फिर रात में दिल्ली की बस पकड़ ली और वापस 505 रुपये में दिल्ली पहुंच गया, यानी कि 1100-1100 रुपये में मैं आराम से दिल्ली टू शिमला, शिमला टू दिल्ली घूमने के बाद से पहुँच गया, यानी 1100 रुपये में 250-250 एक्स्ट्रा आप जोड़ सकते हैं खाने पीने का, क्योंकि ये बजट वाला सफ़र था, तो बजट में मैं कम से कम पैसे खर्च करने की कोशिश किया मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे। वरना जिसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना है, वो तो अपनी मर्ज़ी से पैसे लुटा सकता है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, कैसे और वीडियो चाहिए आपको, ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, मैं और ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो घुमक्कड़ो घूमने के शौकीन हो तो फिर किसी का मुंह मत ताको, किसी के साथ प्लान बनाने का बस घूमने का शौक है, बैग ला दो और निकल पड़ो घूमने के लिए, सोलो ट्रिप अपने आप से दोस्ती कर लो और घूमो पूरी दुनिया। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।